हेलो गाइस, आई एम कैरव सैगल। आज हम लोग सी प्लस प्लस में हम लोग प्रोग्राम को रन करने सीखेंगे। कैसे टर्बो सी प्लस प्लस को हम लोग ओपन करते हैं, कैसे इसमें फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस। कहाँ पर जाना है, स्टार्ट। और यहाँ जो सर्च बॉक्स है, यहाँ सर्च करना है क्या, टर्बो TURBO टर्बो सी प्लस प्लस। देखिए आ गया ये, अगर इस पेज को अगर फुल स्क्रीन करना है, तो देखिए इधर से यहाँ पे जो एरो साइन, यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो फुल एरो हो जाएगा पेज, और यहाँ से क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर यहाँ तक। इस पेज को अगर खाली करना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, कर्सर यहाँ पर रखना है और क्या करना है, ये तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस। आपको क्या करना है, एक बार में क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और कहाँ जाना है, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट, कीबोर्ड में जो शिफ्ट का बटन होता है उसके साथ क्या प्रेस करना है, डिलीट। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी भी देखेंगे और इसका क्या देखेंगे, इसका किस तरह से इसको सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो आइए इसको पहले देखते हैं, तो इसको कहीं पे साइड कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये हाउ टू स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। तो एक तो हम लोग देखें कि सर्च करना है और वहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस लिखना और खुलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि पहले कहाँ जाना है, स्टार्ट जाना है, फिर कहाँ जाना है, ऑल एप्स, फिर किस पे क्लिक करना है, टर्बो सी प्लस प्लस पे, फिर किस पे क्लिक करना है, टर्बो सी प्लस प्लस पे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताएं, कहाँ पे जाना है, पहले स्टार्ट, ये यहाँ पे जो बटन है क्या है, ये ऑल एप्स, ये क्या है, ऑल एप्स, इसमें जाना है कहाँ पे, टर्बो सी प्लस प्लस का फोल्डर में। ये और इसके बाद फिर कहाँ पे क्लिक करना है, इसका एप्स पे। तो ये क्या सीखे हम लोग, ओपन करने के लिए एक सर्च करके, दूसरा यहाँ से स्टार्ट बटन से। इसको अगर क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फाइल जाते हैं और यहाँ पे कहाँ जाते हैं, क्विट। इसका जो शॉर्टकट है क्या है, अल्ट एक्स। तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं और फाइल जाना और कहाँ जाना है, क्विट जाना है। यह शॉर्टकट क्या था, अल्ट एक्स। और यहाँ पे क्या टाइप करना है, एग्जिट, EXIT। एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, इसको अगर बंद करना है तो अभी शॉर्टकट क्या बताएं, अल्ट, ALT, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, एक्स। और ये पूछ रहा है कि यहाँ जो भी कुछ है उसको रखना है या नहीं रखना है, तो हमको क्या करना है, नो करना है। तो टैब दबाना है, TAB बटन, टैब। देखिए अभी हम कहाँ पे आ गए, नो पे, तो हमको यहाँ पे सेव नहीं करना है इसको। तो उसके बाद क्या करना है, इंटर। उसके बाद यहाँ क्या टाइप करना है, EXIT। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, ऑल एप्स जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस फोल्डर में, फिर टर्बो सी प्लस प्लस। और दूसरा क्या तरीका बताएं इसको, हम सर्च करके कि यहाँ पे, कि जहाँ पे स्टार्ट बटन है उसमें उसको क्लिक करना है, सर्च बॉक्स आएगा उसमें क्या टाइप करना है, टर्बो सी प्लस प्लस, और क्या करना है, इंटर। इस तरह से ओपन हो जाएगा। और अगर इसको बंद करना है तो अभी हम लोग क्या देखें, बंद करने का तरीका क्या बताए, अल्ट क्या प्रेस करना है, अल्ट एक्स, या फिर क्या कहाँ पे जाना है, फाइल और क्विट। अल्ट एक्स प्रेस करना है कीबोर्ड से, या फिर कहाँ पे जाना है, फाइल क्विट, और उसके बाद फिर क्या टाइप करना है, एग्जिट। क्या टाइप करना है, एग्जिट। जो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, क्या टाइप किए थे, एग्जिट को, उसके बाद क्या प्रेस करना है, इंटर को। क्लियर है। अब नया फाइल अगर लेना है यहाँ पे तो कहाँ पे जाना है, फाइल और न्यू। अगर नया पेज लेना है तो इस कहाँ पे जाना है, यहाँ पे फाइल और न्यू। इसका जो शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट टैप करना और क्या प्रेस करना है, एन। अल्ट टैप करना और क्या प्रेस करना है, एन। चलिए फिर से देखते हैं। तो अभी हम क्या बताएं, यहाँ पे पहले विंडो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है, टर्बो सी प्लस प्लस, इस पे करना है। नया पे लेना कहाँ जाना है, फाइल और न्यू। और जो तरीका है क्या बताया, नया तरीका इसमें कि सबसे पहले कहाँ जाना है, अल्ट के साथ
देखिए यहाँ क्या है, ये ऐप लिखा हुआ था। अल्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे, ऐप, क्लियर है। और उसके बाद क्या प्रेस करना है, एन। आगे देखिए ये थर्ड पेज है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड, CONIO कोनियो डॉट एच, उसके बाद यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, सिंपल एक मैसेज दिखा रहे हैं, विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। तो क्या करना है, सीपीयू से आउट करना है। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, सी, और आउट को क्या आउटपुट करना है, तो क्या लिखते हैं, आउट। और ये क्या है, डायरेक्शन, आउटपुट डायरेक्शन। और यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं, ये क्या है, मैसेज के लिए। और इसके अंदर में लिखना है क्या, मैसेज। तो क्या दिखाएगा, ये विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ क्या क्या लिखना है, गेट CH, और ब्रेसेस को क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये जो है यहाँ पे जो जहाँ जो रेड दिख रहा है उसमें आप जो लिखिएगा वही क्या करेगा, स्क्रीन पे शो करेगा। इसको अगर सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करना मतलब होता है ये इसमें कहाँ पे हम गलत लिखे उसको चेक करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, मतलब किस में, 01 में। तो ये कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। तो ये इरर भी चेक करता है और कन्वर्ट करता है। तो क्या बता रहा है ये, सक्सेस, मतलब मेरा ये जो प्रोग्राम है पूरा क्या है, करेक्ट है। अब इंटर करना है। अब इस प्रोग्राम का जो पर्पस है, इस प्रोग्राम में क्या करना है, दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मैसेज। आप यहाँ पर आप कमेंट भी दे सकते हैं। ये जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, फॉर क्या दिखाएगा, मैसेज करने के लिए। ये कमेंट लाइन है, ये कमेंट लाइन। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने का मतलब क्या है, ये इस लाइन का क्या क्या मीनिंग है उसको सारा क्या करेगा, वर्क कराएगा। तो इसमें क्या करेगा, क्या दिखाएगा, तो कहाँ पे जाएंगे, रन, और यहाँ से रन दिखा रही है। सेम इसी तरह से हम चाहते हैं इसमें अपना हम नाम भी शो करें। तो यहाँ बस क्या करना है, इंटर, फिर से क्या लिखना है, सी आउट, और यहाँ पे क्या लिखना है, अभी जो ये शो करेगा ये दो लाइन में नहीं शो करेगा, जिस तरह से यहाँ दो लाइन वहाँ पे नहीं शो करेगा, ये एक ही लाइन में शो करेगा। सबसे पहले कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने का जो शॉर्टकट है, यहाँ पे F9, क्या प्रेस करते हैं, F9। ये कंपाइल करने का शॉर्टकट क्या है, F9। ये सक्सेस हो गया। अब ये जो रन करना है, ये कंपाइल का F9 था, और ये जो रन है, रन का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F9, कंट्रोल के साथ F9। तब ये दो लाइन दिखाया कि एक लाइन में दिखाया, एक ही लाइन में दिखाया। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो आपको इसको यहाँ पे लाइन ब्रेक करना होगा। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, \n देना और स्पेस देना है। क्या देना है, \n और स्पेस। \n क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। अब फिर से क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं F9, ये जो कंपाइल करते हैं, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो क्या है रन करने का शॉर्टकट, Ctrl+F9 दिखा रहा है। चलिए और भी इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। इस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, फाइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बहुत बार क्या होता है, माउस वर्क नहीं करता। आपको इसमें अधिकतर किससे वर्क करना होता है, कीबोर्ड से। तो सबसे पहले शॉर्टकट क्या बताएं, Alt+F। इसमें अभी हम किस में गए थे, न्यू से पहले लिए थे, अब हमको सेव करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये S प्रेस कीजिए, इसके बाद Alt+F की, और क्या प्रेस करना है, S। ये इसका शॉर्टकट डायरेक्ट क्या है, F2 है। तो यहाँ से क्या प्रेस किए, S, और यहाँ पे चलिए इसका भी एस्केप दबाते हैं। अभी हमको सेव नहीं करना, ये जो कैंसिल है, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो हम क्या बताएं, माउस वर्क नहीं करता। तो टैब बटन से जा रहे हैं फिलहाल, टैब, इस कैंसिल पर आएँ, उसके बाद क्या करें, इंटर। दूसरा तरीका क्या है इसका सेव करने का, F2। यहाँ कीबोर्ड में क्या बटन है, F2।
इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है सेव करने का, F2। अब यहाँ पे इसको सेव करना है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट, और यहाँ पे हम बताए थे पढ़ाए थे कि जो C++ होता है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp। यहाँ क्या लिखना होता है, .cpp। उसके बाद यहाँ ओके का शॉर्टकट क्या, इंटर। तो देखिए यहाँ पे किस नाम से सेव हो गया, .first.cpp। इसको अगर अब इस जो ये जो पेज इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब आपको क्या करके दिखा रहे हैं, ये जो सेव किए इस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, Alt+F, और कहाँ पे जाना है, O, और इसी का शॉर्टकट क्या है, F3। तो यहाँ कहाँ जाना है, O, और यहाँ क्या लिखना है, किस नाम से सेव किए थे यहाँ पे, फर्स्ट, FIRST first.cpp। क्लियर है, फिर से इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसका जो शॉर्टकट है क्या बताया था, F3। यहाँ जो F2 के बाद, F2 से सेव होता है और F3 से क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पे जाना है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, फाइल का जो नेम है उसको लिखना है FIRST first.cpp। क्लियर है, रन करने तो हम लोग सीख चुके हैं क्या होता है। पहले F9 करते हैं, कंपाइल करते हैं, और जो सक्सेस यहाँ दिखा रहा है उसके बाद क्या करते हैं, Ctrl+F9। चलिए इसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं। अब क्या है, ये हाफ स्क्रीन से अगर फुल स्क्रीन करना है तो हम बताए थे ये एरो साइन से इस पर जो हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, हाफ से क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। जैसे यहाँ ये हाफ है पेज और यहाँ से क्या हो गया, फुल हो गया। और जब हाफ रहता है तो उसमें सिंगल एरो दिखाता है, इसमें यहाँ पे दोनों साइड एरो दिखाता है। क्या ये हाफ पेज से क्या फुल पेज, यहाँ पे सिंगल एरो दिखा रहा है ये, और यहाँ पे दोनों साइड से एरो दिखा रहा है, बोथ साइड से। हाउ टू क्लोज द पेज, तो पेज को क्लोज करने के लिए हम क्या बताए थे, ये जो ग्रीन यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, पेज को क्लोज करते हैं। हाउ टू मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, तो मैक्सिमाइज करना मतलब फुल स्क्रीन करना और छोटा करना है, तो इसके लिए क्या बताए थे, अल्ट इंटर। एक बार फिर से देख सकते हैं ये अल्ट इंटर क्या है। सो तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टर्बो C++ लिख रहे हैं। अभी क्या है ये फुल स्क्रीन, अब क्या प्रेस करना है, अल्ट इंटर। इससे क्या हो गया, इसका स्क्रीन साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। और फिर से अल्ट इंटर करेंगे तो फुल हो जाएगा। इसके बाद हाउ टू सेव द प्रोग्राम, प्रोग्राम को सेव करने के लिए कहाँ जाते हैं, फाइल जाकर के सेव, या इसका शॉर्टकट क्या बताए थे, Alt+F। क्या प्रेस करना है, Alt+F, और कहाँ पे जाना है, S, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, क्या प्रेस करना है, F2। और इतना दूर जाने के बाद जहाँ पे सेव करेंगे वहाँ नाम देना है, जैसे हम दिए थे क्या, फर्स्ट दिए थे .cpp, और कहाँ पे जाना था, इंटर करना था या फिर ओके। उसके बाद हाउ टू ओपन द सेव फाइल, जो हम प्रोग्राम सेव किए थे, जैसे फर्स्ट डॉट हम लोग cpp किए थे, उसको अगर ओपन करना है तो ओपन करना, उसके लिए क्या प्रेस करना है, F3, या फिर कहाँ जाना है, फाइल ओपन, या फिर शॉर्टकट क्या बताए थे, Alt+F, और क्या प्रेस करना है, O, और फिर क्या करना है, क्या टाइप करना है, टाइप करना है यहाँ पे जिस नाम से सेव किए थे। तो जैसे हम सेव किए थे first.cpp, तो उसमें क्या टाइप किए थे, first.cpp। इसमें एग्जांपल में क्या दिखा रहे हैं, जो हम सेव किए थे kairav.cpp, वो यहाँ पे टाइप करना, और क्या करना है, ओपन पे जाना है। उसके बाद हाउ टू कंपाइल एंड रन, तो आपको बताया था कंपाइल करना है तो शॉर्टकट क्या है, F9 या Alt+F9। देखिए कंपाइल करने का शॉर्टकट क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्टिंग करना मीन्स कहाँ पे इरर है या नहीं है उसको चेक करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, हम लोग लैंग्वेज को, जिसको सोर्स प्रोग्राम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको कन्वर्ट करता है किस में, कंप्यूटर लैंग्वेज 01 में। इसका जो कंपाइल करने का जो तरीका है, क्या प्रेस, यहाँ पे क्या प्रेस करना है इसके लिए, F9 या फिर Alt+F9। अब जो प्रोग्राम हम जो लिखेंगे उसका क्या वर्क है, वो जो वर्क जो करके दिखाएगा, जिसको हम लोग वर्क क्या बोलते हैं, रन करना या फिर एग्जीक्यूट करना, इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करना या फिर रन करना, इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F9। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, रन में जाना है और किस पे जाना है, रन पे। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, C++ प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक नॉर्मली प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम अभी हम नहीं सिखाएं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, बस प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, कैसे इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, कैसे पेज को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना है,
कैसे पेज को क्लोज करना, कैसे सेव करना, ओपन करना, कैसे कंपाइल करना, रन करना, यही सब हम लोग क्या किए हैं देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, C++ के बारे में जानेंगे। थैंक्स।